चलो गाइस, आज हम लोग यूवी निकालने वाले इस बॉक्स का सिविल वॉर का ये क्रेट है, ठीक है। और ये अपने एक रेस्टोरेंट का मॉडल है, तो मॉडल अच्छा है। चलो देखते हैं अभी इसको अनरैप कैसे करते हैं। अनरैप करने से पहले एक चीज़ हमें माइंड में रखना है, क्या रखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्सचर के मॉडल को इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ऊपर वाला पार्ट है तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर देखते हैं, तो मैं इसको ये वाला पार्ट यहाँ पर जोड़ूंगा। अगर आप टेक्सचर कर रहे हो माया एंड फोटोशॉप में, हाँ किसी और 3D सॉफ्टवेयर में अगर आप टेक्सचर करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन जीवस है तो जीवस में वाला कैसे मैं कर सकता हूँ, मडबॉक्स है तो उसमें वाला कैसे काम कर सकते हैं, हेलो ठीक है। ठीक है, इस तो हमें अभी ये पार्ट अभी देखना है कैसे क्या डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज यू नो लाइक ये पार्ट आपको लेना आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लेआउट टू साइड बाई साइड सारे पार्ट में सारे वीडियोस मैंने शेयर कर रखा है एंड पैनल पे जाके आप यू एडिटर ले सकते हो। अभी मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे टेक्सचर करने जा रहा हूँ, रेफरेंस को बहुत अच्छे से देखना है। अभी देखो यहाँ पे रेफरेंस है, इसकी कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखानी है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा किया, माइनस छोटा करके देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इन चीज़ को दिखाता हूँ, ये मेरा मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल को मुझे यहाँ पे क्या करना है, यू पे गए एंड देन ऑटोमेटिक। अभी जोड़ेंगे कैसे, सीखना यही है कि जोड़ना क्या है। जैसे ये देखो अभी मुझे इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखा है ना, ये मेरे पास पार्ट है, इसकी इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है इसको जोड़ने के लिए, यहाँ पे इस वाले इसको पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन स्ट्रोन, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ गया। अभी देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखी, अभी इसकी कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखा दिख रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ वाला एजिस को मैंने पकड़ा यहाँ पे, ठीक है, एंड देन शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन स्ट्रोन, ओके। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। जो मेरा पूरा पार्ट है मैं इनको ऐसे डील कर सकता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूवी पे गए टू सेल, कंट्रोल प्रेस करके टू सेल करो डब्लू, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखा टू सेल, जो अंदर वाला पार्ट है वो उतना लाइक फोकस में नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने एजिस को मूव एंड शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने जोड़ दिया। अभी यहाँ पे मैं अभी ये मेरा अंदर वाला पार्ट है, बॉक्स जब तक खुलेगा तब तक दिखेगा नहीं, अगर खुलेगा तो दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये बस पार्ट अभी रेडी हो गया, तो अभी हमें बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि बेसिक फंडा मैं कैसे यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड एच यहाँ पे लग गया, सेम चीज। अभी देखो यहाँ पे अगर मॉडल कट तक किसी मॉडलर ने ध्यान दिया है, अगर कॉपी है तो मैं यहाँ पर मैं दूसरा यूवी नहीं निकालूंगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ये मेरा मॉडल है, इस मॉडल का अगर मैं देखूँ तो 32 करके यहाँ पे वर्टेक्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चक्कर इसका भी 32 है इसका भी, तो सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ तो इसको मैं करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा यूज़ करूँगा कि एक लेआउट सेट कर दूंगा, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा एक ही लेआउट में, ठीक है। तो मैं इसे ट्रांसफर एक बार में कर लूँगा, अभी मैं जब लेआउट में करूँगा तब मैं इसे मैनेज करने वाला हूँ, तो इस वाले पार्ट को मैं नहीं करता अभी। दूसरी बात, मुझे चेकर्स चाहिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, चेकर्स असाइन कर देता हूँ, राइट क्लिक असाइन लैम्बर्ड, ठीक है, एट्रीब्यूट में गए मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए लैम्बर्ड 18, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ चेकर्स CHECKER, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं लाइक फाइल, देन एड्रेस को कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, चेक कर मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। टाइलिंग कौन सा बढ़ाना बढ़ा देंगे, लाइक मैंने कर दिया लाइक 5 5 चेकर्स। अभी आपको कभी भी जॉब पे जाना तो आपको एक मॉडल ऐसे भी दिखाना है इसमें चेकर्स का पार्ट भी हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, अभी 8 को मैंने कर लिया, बाकी सब सेम है तो मुझे इसमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इस वाले पार्ट को मुझे जोड़ना है, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं फिर से एक काम करता हूँ, ऑल टच यू में गए, ठीक है, ऑटोमेटिक कर दे मैंने, सब कुछ बहुत ईजी है, बस समझना है कि आप कैसे दिखने वाले हो और दिखाने वाले हो। रेफरेंस को इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, अभी जैसा इससे ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखने वाला आपको पता चलेगा भाई ये वाला पार्ट में कौन सा है। आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए, सेलेक्ट कर लो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो यू वी टू सेल, लगता है कन्फ्यूजन है साइड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मुझे जोड़ना कैसे, देखो मैं अगर यहाँ पे मैं अगर जोड़ भी दूँ, जैसे अगर सिंपल सा पार्ट है मेरे पास एजेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख लो, अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ सेलेक्ट करो यहाँ ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर जोड़ दूँ, यहाँ पे मुझे इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 2 3 4 मोशन अपने आप जुड़ जाएगा, ये वाली कनेक्टिविटी मैच हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करना, ये वाला पार्ट देख नहीं रहा, ये बीच वाला पार्ट नहीं देख रहा, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये इसके अंदर है। हाँ, करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, इसको मूव इन सेव करते यहाँ पे जोड़ेगा, अभी यहाँ अब हर जगह आप करोगे तो यहाँ पे भी आएगा क्या,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हो, जो चीज देखना नहीं है उस पर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मेन फंडा ये कि देखो, इसलिए रेफरेंस को थोड़ा फॉलो करो, यहाँ पर मेरी कनेक्टिविटी यहाँ यहाँ पर दिखना है तो ठीक है, बाकी चीज़ नहीं दिख रहा तो आप इसे अलग भी रख सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैंने काम किया दोनों मूवमेंट से, तो मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ क्या, यहाँ पर मुझे अगर ओवरलैपिंग देना तो मैं ऐसा ओवरलैपिंग भी दे सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने उनसे, तो ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर काम करना, अगर जैसे देखो हर जगह हर एक पार्ट में अलग अलग जगह होता है कि लाइक मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है तो मैं, लगता है कि मुझे ओवरलैप करना है तो मैं करूँगा, नहीं लगता तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब व्हाट यू वांट, अगर मुझे लगता है कि ये पार्ट मुझे रखना है तो रखूँगा, नहीं तो नहीं रखने वाला। तो ये पार्ट हमने देख लिया, अभी मैं ट्राई करूँगा, चल मैं ओवरलैपिंग रखता हूँ तो ठीक है, अगर सपोज मुझे ओवरलैपिंग नहीं रखना तो मैं उसे छोड़ दूंगा, फिर अलग भी रख लेंगे, उसे अलग रखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मूवमेंट सीव कर दिया मैंने यहाँ पे, एक प्रोसेस और भी आपको मैं बताया था यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ का पार्ट है, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये बॉक्स खुलेगा तो यहाँ की कनेक्टिविटी ये डिमांड करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ की कनेक्टिविटी मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एज सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करते हैं मैं यहाँ पे, ओके मूवमेंट सेव करते हैं यहाँ पे, अपने आप जुड़ जाएगा, आपको फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट सेव, ये पार्ट आपने सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है मूवमेंट सेव, ये वाइट लाइन है ना इससे जोड़ देना, इससे पता चल जाता है कि वो पार्ट अकेला है, बाकी पार्ट एज यू नो मूवमेंट सेव। ठीक है, एंड देन अभी छोटे छोटे पार्ट बचे हैं, अभी इन छोटे छोटे पार्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट हो गया, ठीक है ये पार्ट हो गया, ये वन टू एंड थ्री मोवन से करता हूँ, देखो ये ध्यान देना है, ये अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये यहाँ का पार्ट है तो हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज, जब मैं ध्यान देता हूँ बस कौन सा पार्ट कहाँ रहेगा, ये सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ये आपको देखेगा जैसे यहाँ का पार्ट है, देखो ठीक है, जैसे मुझे यहाँ के पार्ट में जोड़ना है तो मैं यहाँ के पार्ट में जोड़ सकता हूँ। अभी देखो यहाँ का पार्ट में अगर यहाँ पे डील करता हूँ, यहाँ पे बस कोई पार्ट है नहीं। ठीक है, अभी यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट को मैं कर देता हूँ ऑफ, समझ ना, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मॉडल देखने में थोड़ा सा लगता है सिंपल, लेकिन जब यूवी निकलते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है क्या। यहाँ सेलेक्ट करते हैं मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन मैं आपको ये बताता हूँ, एक आपको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये पार्ट और ये पार्ट मूवमेंट्स, अगर आपको यहाँ पे अगर ओपन करना है, ऐसा ओपन करना है तो आप ऐसी कनेक्टिविटी भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने पहले जोड़ रखा है, ठीक है, अभी छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट को ईवी टू सेल आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर लो भाई, फेसेस कहाँ के, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा, अच्छा यहाँ के फेसेस हैं, यहाँ देख रहे हैं फेसेस कहाँ देख रहे हैं, भाई कहाँ पे क्या जोड़ने वाले हैं इन्हें चेक करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जोड़ने मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड मूवमेंट सेव करूँ, अपने आप जुड़ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ जोड़ना है मूवमेंट सेव कर दिया, ये जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी करके भी जोड़ सकते हो क्या। ठीक है, ऐसे करके आप डील कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी कितने पार्ट बचे, ये पार्ट बचे यहाँ पर, ठीक है यहाँ के पार्ट, अभी यहाँ के पार्ट तो आपको कैसे जोड़ना है, आप चाहो तो यहाँ पे जोड़ दो, एक दो तीन, ठीक है ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो सारे पार्ट यहाँ पे एक बार जोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, देखने में बेसिक है लेकिन हाँ लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग सकता है। ठीक है, लेकिन कर सकते हो आप ऐसा कुछ, ये करते हैं हमने यहाँ पे, यहाँ से लग करो, अभी यहाँ पे कौन सा पार्ट बचा, अब यहाँ के देखो कौन सा पार्ट बचा है, अभी ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ जोड़ने इधर जोड़ लो, इधर जोड़ने जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पे दिखना है पे? ये दिखा मुझे यहाँ पर, यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर जोड़ रहा है मोबाइल से, ये जोड़ गया मेरे साथ। ठीक है, तो इन सारे पार्ट को आप ले के हो, सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यू वी सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है ढूंढते यहाँ पे एजिस, यहाँ देखो कहाँ पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग का पार्ट आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे ओवरलैप होगा, ठीक है यहाँ पे जोड़ेंगे ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचना है कि भाई ये देखो ये पार्ट कहाँ डिमांड कर रहा है, नहीं ये पार्ट यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं अगर जोड़ दूँ तो देखो यहाँ पे मैं ओवरलैप का पार्ट आ सकता है, अभी ये बहुत ही बेसिक है वरना मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये पार्ट अलग करना है तो मैं यहाँ से ना इतना पार्ट कट करके, जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रूड वाले पार्ट को, ये एक्सट्रूडेड पार्ट है तो इसको मैं अलग से निकाल के सिर्फ इससे जोड़ के रख सकता हूँ, तो ऐसे भी डील किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा बंडा यू वी टू सेल, ये मैंने पार्ट दूसरे वाले मैंने पार्ट में मैंने ऐड ऑन किया है, कि अगर आप देखना चाहोगे देख लो अपने आप, जैसे यहाँ पे किया मोबाइल से और लगिंग वाले यहाँ पे सेलेक्ट करते मोबाइल से ये आ गया। अभी यहीं पर अगर जो मैंने आपको बताया कि अगर देखो आपको अलग करना है तो यही सेम पार्ट मैंने आपके लिए अलग भी रखा है क्या, वैसे जरूर जाके देखना ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाए। ठीक है,
पहुंचाना एक बार यहाँ पे, और इसको जो देखना, ठीक है, ये प्रॉपर आपका ईयूवी का पार्ट है कि कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक्सट्रूड और इंट्रूड पार्ट दोनों मैंने मैनेज किया है, ठीक है। इसमें इसलिए मैं इसमें ओवरलैपिंग का पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, तो भाई मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। इतना पार्ट वापस यहाँ पे हो गया, असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन चेकर्स, एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मान लो हम लोग कोई भी काम करते हैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे मटेरियल बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे जब चेक कर यहाँ पर मैं, ओके काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं कुछ टैप यहाँ पर, बहुत सी चीज जो मैं यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहा हूँ, टैब में काफी चीज ऐसी हो जाती है जहाँ पे लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचता, तो मैं इसे ओपन क्लोज करके मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ। वही मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है जो कि यहाँ पे देखा है, ये मिल गया आपको हाइपर शेड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो जिस चीज़ का मेरे पास काम नहीं उसको मैं हटा दूँ, तो एडिट पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन था डिलीट अनयूज नोट्स, जिन मटेरियल का काम नहीं है वो अपने डिलीट हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा बंदा कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पर हमने सेट करते, देखो यहाँ पर स्पॉट है क्या। अभी यहाँ पर जब मैं टेक्सचर बनाऊंगा तो टेक्सचर में मुझे क्या ध्यान देना है कि अगर मैं जब मैं टेक्सचर रखूँ यहाँ पे यूवी टू सेल, यहाँ पे शिफ्ट रोटेट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर इनका मैं जो जो ध्यान रखना, ठीक है, ये चेकर्स का कनेक्टिविटी रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर मैं कैसे रखना चाहता हूँ, अगर मेरे पहले से प्लान है, अगर अपने देखो यहाँ पे रेफरेंस देखो यहाँ पे टेक्सचर, देखो टेक्सचर का ये कनेक्टिविटी ऐसे है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं जब मैं टेक्सचर में काम करूँगा, टेक्सचर में मुझे कोई दिक्कत ना आए तो यहाँ पे क्या इसके साथ ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ना, जब भी आप स्टूडियो में होगा तो स्टूडियो में सारे जो चेकर्स होते हैं ना वो उसको ऐसे डील करते हैं, ठीक है। रोटेट पे गए यहाँ पे, ओके। अभी रोटेशन में अगर मैं आपको दिखाऊँ आपको यहाँ पे बाद ये ऐसे मैच कर देते हैं, हाँ समझे। मैंने यहाँ पे लेआउट किया, लेआउट यूज, ठीक है, तो ये ऐसा काम आ जाता है। तो एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान यही कि वो किस टाइप से यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं वैसे इसको भी कर देता हूँ, ऑल टेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यू पे गए। इसमें एक आध मेथड मैं आपको और पहले से जोड़ देता हूँ, ठीक है। जोड़ने का मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फेसिस लगते हैं पता चल जाएगा, यू वीज पे गए, यू वी टू सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी यू वी टू सेल करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, जैसे बस पार्ट आ गया, ठीक है, सेट रोटेट ये कर दिया मैंने। अभी मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले उस पर फोकस करो। जैसे ये एजेस में यहाँ पे छोड़ना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट, ये पार्ट, ये कॉर्नर के सारे पार्ट हैं यहाँ पे, यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी चाहिए चाहिए, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद ना अब इस वाले पार्ट को आप नहीं जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसको मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक आपको एक और आइडिया भी मिल जाए, ताकि आपको पता चले कि ऐसा कुछ काम करना तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अभी अंदर वाले पार्ट में अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये और ये पूरा कनेक्टेड मिल गया, और अंदर मुझे दिखाना नहीं है ना, ये वाला पार्ट आ चुका है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो, देखो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यूवीज टू सेल, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, चेक करो यहाँ पे भाई कहाँ की डिमांड है यहाँ पे, यहाँ की डिमांड है। अभी ये दिखना है तो मैं इसके साथ में यहाँ पे मोबाइल सेव कर देता हूँ, ये कहाँ की डिमांड है, जस्ट स्टार्टिंग में आपको क्रॉस चेक कर लेना था, कंट्रोल शिफ्ट एच करो यहाँ पे, देखो दिखे कहाँ पे, वैसे ऊपर नीचे कहीं कोई दिखने वाला नहीं है, तो इसमें लोग फ्री हैं, चाहे हम लोग यहाँ जोड़े कहीं पे जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन सब चीज़ का तो बहुत ख्याल रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर रखा है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये सब करने का देखो, ये सब मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, इनका मैं कहूँ तो इनका मुझे लगता है ये सारे पार्ट ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं इनको मैं इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, क्या जैसे ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, वन ठीक है, टू मूवेंस, ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं इधर से भी रख दूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, लाइक ये पार्ट मूवेंस ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं अलग रह सकता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्ट को साथ में नहीं रखता ना, तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा पार्ट ऐसे में कनेक्टिविटी में मैं निकाल के रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मेरी नीड है यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ यहाँ इसकी नीड मेरे पास यहाँ पे, तो मैं रखूंगा, नहीं तो मैं इनकी एक कनेक्टिविटी में भी निकाल सकता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मैं कहूँ मोबाइल से यहाँ पे देखा, ये सब पार्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी जस्ट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सीम आ जाए यहाँ पे,
देखो यहाँ पे जैसे देखा यहाँ पर मॉडलिंग का भी बहुत बढ़िया रोल होता है। यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से पूरा कट कर दूँ सिंपल से, देखो और ऑप्शन कर दें तो बता ही देता हूँ। ऐसा मैंने कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यू वी टू से ये पार्ट यहाँ पे, अब देखो इनको मैं उठा के यहाँ पर साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो मैं बस अगर ये दोनों पार्ट अगर यहाँ पर आ भी गए तो लेके चलते हैं यहाँ पे, बाकी इन वाले पार्ट में एक साथ जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे रिंग कर दिया मैंने, रिंग रिंग करने पे देखो ये पार्ट आ रहा है यहाँ पे। अभी रिंग करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मूव एंड सेव कर दूँ यहाँ पे। एक है जिसको मैं छोड़ना था, एक मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, छोड़ पे छूट रहा मूव एंड सेव, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन में। मैं ऐसे ही करके भी डील कर सकता हूँ, ऐसे करके डील करने का मतलब क्या है, लाइक मैं इस वाले पार्ट को मैं अलग करता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एजेस मैंने जोड़ दिया, मैंने कहा एक टिप्स और बताता हूँ यहाँ पे, कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये भी पार्ट है सेफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैं बस यहाँ पे जो भी पार्ट होगा, अभी मैं यहाँ पे रिंग कर दिया मैंने यहाँ पे एंड मूव एंड सेव। एक एजेस को छोड़ना पड़ेगा, एक एजेस कैसे छोड़ें, कोई भी एजेस लो और छोड़ दें यहाँ पे मूव एंड सेव, ये देखो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा मेरे यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ई वी टू सेल, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मुझे लगता है, इसको मुझे ब्रेक करना, तो मैं ब्रेक भी कर दूँगा यहाँ पे। कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ई वी टू सेल, देखो कहाँ कहाँ पर जुड़ा हुआ, यहाँ पर जो चीज़ जुड़ा उसको मैं अलग करने वाला यहाँ पे, ये शायद कट नहीं हुआ क्या, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ठीक है, यू वीज पे गए टू सेल। अभी भी यहाँ पे जो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ कनेक्टेड है यहाँ पे, अब ये देखना पड़ेगा कहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत समय मिक्सअप करना पड़ेगा भाई कि मेरे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ है। और इन चीज़ों के लिए मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, जैसे मैं फिर यहाँ पे जो मेरे पास ग्रुप है ना मॉडलिंग का, मेरे पास फंडा का मेरे पास क्लियर है, तो मैं वहाँ पे ना ढूंढ के मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। ये हम लोग अभी करेक्टर पे भी करने वाले हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अभी इससे हैबिट हो जाए कि मेरे पास पूरी पूरी लाइन है। यहाँ से मैंने लाइन को आप सेट कर दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। एक कनेक्टिविटी होना चाहिए मॉडल का, ये देखिए ये पार्ट है ना, अगर आपके मॉडल की कनेक्टिविटी है तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। ये देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सेफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, इसे कट करने के बाद देखें कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, यू वी टू सेल, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे कुछ छूट गया है यहाँ पे, क्या हो सकता है, एक मिनट क्रॉस चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक, बहुत ही छोटा सा माइनस है, कहीं ना कहीं का मिस्टेक होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ एजेस है। सपोज मैंने यहाँ पे फॉर टाइमिंग मैंने कट कर देगा, मैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैंने कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ये सारे पार्ट मैंने कट कर दिया, ठीक है। मुझे व्हाट आई वांट, मुझे ये पार्ट निकालना है तो मैंने ये निकालना है, ये निकाल देगा मैंने, ठीक है। बाकी मेरे पास यहाँ पे पार्ट है, इन एजेस को मैं पे क्या कर सकता हूँ, यू वी टू सेल, एक एक करके जोड़ना है, एक एक करके जोड़ते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मेरे को चीज़ें जोड़ना है तो मैं एक एक करके यहाँ पे मूव एंड सेव जोड़ता रहूँगा, एक एक करके भी जोड़ता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर लगता है ओवरलैप हो जाता है, मूव एंड सेव, मूव एंड सेव। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे देखा कुछ कुछ उल्टा है क्या, अब यहाँ पे अगर हमारे पास मॉडलिंग में कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे मैं बता देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया, अभी चेक करने के बाद यहाँ पे पता चलता है भाई यहाँ पे देखो मॉडलिंग में दिक्कत है, ठीक है। तो जब भी आप जाओगे कहीं जॉब करने के लिए ना, तो मॉडलिंग वाला अगर मॉडलिंग में कोई गलती है तो ये यूवी आर्टिस्ट आपको पकड़ा देगा, भाई यहाँ देखो यहाँ पर मैं जोड़ा, टेक्निकली जो मैंने फंडा यूज़ किया वो सही था, लेकिन कहीं अगर मॉडलिंग में कोई दिक्कत होती है तो उसे ठीक करना पड़ता है, नहीं तो ये मॉडल फिर से आपके पास पहुँचा देगा यहाँ पर। इसलिए कर दिया मर्ज, मर्ज वर्टेक्स, अभी ये मर्ज वर्टेक्स में यहाँ पे क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा 0.001 कर देता हूँ, आसपास की जो चीज़ें हैं जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मिस्टेक है, मिस्टेक भी कोई जानबूझ के नहीं करता लेकिन हाँ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी चेक करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे जोड़ता हूँ मोबाइल से, मेरे पास अभी भी ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है, मैं नीचे से एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे, सेल, ठीक है, और रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे मोबाइल से, देखिए पूरा पार्ट जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पता रहना चाहिए कि गलती है कहाँ, यहाँ डबल लाइन दिखने लगे समझ जाओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, ओवन सी यहाँ पे ओवन सी। आप एक एक करके भी आप आराम से काम कर सकते हो, जो मैंने प्रोसेस एक बार में कर दिया वो एक एक करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये आ गया जो मेन दिक्कत है वो आपका पार्ट यहाँ पे है, अभी यहाँ के फेसिस को आपको प्रोसेस करने के आपके मॉडलिंग में क्या दिक्कत है।
ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे देन अगर मैं यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे टू सेल EVs, टू सेल, ये देखो ये पार्ट अलग है, इसको मैंने निकाल दिया था, टू सेल ये पार्ट अलग है, ये देखो देखो ये सब मॉडलिंग में जो दिक्कतें आ जाती है ना, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या। इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं मर्ज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है मुझे इतनी पार्ट में मर्ज करना है, मर्ज मर्ज वर्टेक्स, तो ये बाई डिफॉल्ट देखो अगर मैं बाई डिफॉल्ट पे काम करता हूँ तो ये पूरा सब मर्ज करेगा, यहाँ के डिटेलिंग चली जाएगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे अगर क्या करना है, 10 की जगह यहाँ पे 0.005 कर देखते हैं यहाँ पे, नहीं हो रहा ठीक है, 0.002 करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे चीज़ों को लाइक थोड़ा सा एडजस्टमेंट आनी चाहिए क्या। यहाँ पे 2 पे किया, ये हो जाता वेल एंड गुड है, यूवी में चेंजेस दिख जाएगा, 3 करके देखें यहाँ पे, ये देखो 3 में जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2.5 यहाँ पे, या तो मैं मॉडलिंग ठीक करूँगा बाकी चीज़ों फिर मैं वैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ें हैं वो मॉडलिंग के प्रॉब्लम, चल करते हैं ऐसे भी क्योंकि ये मैनुअली डील करना पड़ जाएगा। अभी एक टिप्स एंड ट्रिक्स और बता देता हूँ आपको, जैसे आप कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखा हमने यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे पार्ट है, अभी छोटे छोटे पार्ट को मुझे पता नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ सा है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एजेस को सिलेक्ट करो यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे जब जो चीज़ की नीड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे इनको नहीं जोड़ना, इनको डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी देखो अपने आप यहाँ पे चीज़ें दिखनी है कौन सा पार्ट कहाँ पे, वो सी करो अपने आप जुड़ जाएगा क्या, यहाँ चेक करो, ठीक है यहाँ पर लगता है इन वाला पार्ट को मुझे कोई टच नहीं करना, डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तब लगता है कोई पार्ट कहीं छूटा हुआ तो मूविंग से करो अपने आप जुड़ जाएगा। तो ऐसे करके आप चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे, फिर से एडजस्ट पे गए, ठीक है यहाँ पे देखो कुछ पार्ट हैं मेरे पास यहाँ पे, इनको डिसलेक्ट कर दो। अब जितने पार्ट आपके पास होंगे यहाँ पे काम के, वो अपने आप यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो बाकी अनवांटेड पार्ट है, जो ये पार्ट है ना अनवांटेड पार्ट है, इन अनवांटेड पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे, और ये पार्ट कहाँ के हैं। अभी देखो यहाँ पे चेक किया मेरे पास, ठीक है अभी यहाँ पे मैं अगर जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया एजेस ओवेंसियो, एजेस ओवेंसियो, ठीक है एजेस मोवेंसियो, कुछ जुड़ता होना जाएगा आपका जो व्हाइट लाइन है ये ऐसे कुछ दिखेगा। मैंने बोला ना अगर थोड़ी सी गलती होगी तो देन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्शन भी आपका वहाँ पे थोड़ा सा ओवेंसियो ये जुड़ता रहेगा आपके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब जोड़ रहे थे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग में आ रहा है, ओवरलैपिंग में यहाँ पे आने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग अभी थोड़ा टाइम में मॉडलिंग में ठीक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। तो मैंने देखो ये पार्ट वैसे दिखना भी नहीं है, तो मैं ऐसे जस्ट इसे अवॉइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है क्योंकि इसको मुझे फिर अलग से डील करना पड़ेगा, और मैं अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चीज़ें बहुत सी हैं। फेसेस यहाँ पे यहाँ चेक करो, ये फेसेस यहाँ पे यहाँ दिखना चाहिए, जो चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ नहीं पा रहा। अभी इसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे फिर से कनेक्टिविटी देखता हूँ यहाँ पे, भाई मेरे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी है क्या, ठीक है ये एजेस ओवेंसियो, ठीक है ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन फेसेस बहुत ही बुरा हाल है। क्रिएट में हमारा इतना टाइम ही लगे, देखो आप देखोगे ना ये काफ़ी लोगों से गलतियाँ हो जाती है अनजाने में, मॉडलिंग हो रही है यहाँ पे ऐसे कुछ पार्ट में हो रहा था, देन यहाँ पे यहाँ देखो डिलीट करने में काफ़ी चीज़ तो मर्ज हुई है यहाँ पे, ठीक है लेकिन जो इसमें जो लगा रहता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोबाइल से यहाँ चेक कर लें, ठीक है एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे यूज में गया अनफोल्ड किया, अनफोल्ड यू यूएस और अनफोल्ड वी एस और यहाँ पर देखना है कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पर मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना चाहिए। एक बार नॉर्मल सेलेक्ट किया, फेसिस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट फेस नॉर्मल्स एंड नॉर्मल्स,
ये भी चेक करना होगा, नॉर्मल्स कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, पॉलीगन यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है आपके पास नॉर्मल्स का साइज भी होता है क्या, नॉर्मल साइज है यहाँ पे, नॉर्मल साइज को मैं पे छोटा भी कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। नॉर्मल साइज से भी आपको आइडिया मिल जाता है, देखो जहाँ जो फेस है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ दिखती है, ठीक है, कहीं कोई एक पार्ट ऐसा हो जहाँ पर लगता है कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो मैं यहाँ पे चेंज भी करता हूँ। काम क्या होता है दिखना पे, जैसे देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे यूवीज टू सेल, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, ठीक है, मूवेंस यू ये जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ चेक करो यूवी टू सेल अभी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूवी पे क्या इतने पार्ट को मैंने अनफोल्ड यू अनफोल्ड वी, ठीक है, या अनफोल्ड डैट भी कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा यहाँ पे, बात समझ रहे, तो ऐसे करके भी मुझे थोड़ा डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ है अनफोल्ड यू कर लो, अनफोल्ड वी कर लो, यहाँ पे अनफोल्ड डैट भी कर लो, इससे क्या होता है जो इधर उधर की जो चीज़ होती है वो भी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, मूवेंस यू देखो लास्ट में जब जुड़ जाता है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि वो पार्ट मेरे पास एंड का जुड़ गया, थोड़ा सा मैनेज कर टाइम तो लगा, यहाँ यूवी आपके सही निकल के आ गया, ठीक है, तो टू सेल देन लेआउट ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एज यूजुअल चेकर्स, ठीक है, अब यहाँ पे बस यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट है कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये चीज़ देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे, तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट डल कर दिया मैंने यहाँ पे, मुझे इसे ऑफ करना, ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी इनके सबके चेकर्स मुझे एक जैसे रखने का, ये जब तक आप एक प्रोसेस सीखोगे नहीं ना कि आपको काम कैसे करना, तब तक कोई आइडिया मिलेगा नहीं। जैसे देखो ये पार्ट मैंने सेट किया, ये पार्ट बड़े में आ गया, ये पार्ट में छोटे में आ गया, ठीक है, अब छोटे में, अब छोटा बड़ा कैसे मैच होगा, यहाँ ध्यान दो, अभी मॉडल देखे तो देखो ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, पीछे वाला पार्ट भी सिमिलर है। जब गेमिंग में जाते हैं तो गेमिंग में क्या काम होता है कि वो ना सिर्फ एक ही पार्ट पे काम करते हैं, इधर पार्ट पे काम किया उधर पे नहीं करेंगे, हाफ पार्ट पे काम किया, जैसे मैंने आपको शॉर्ट वाला बताया कि शॉर्ट में कैसे हम लोग टेक्सचर करते हैं, तो यहाँ पर मुझे अगर काम करना है तो मैंने ये काम किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों पार्ट को मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, या इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे यूवीज सेल, मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, एंड देन ये दिस वन ठीक है, एंड मैंने कर दिया कंबाइन करने का मोटिव क्या है कि भाई चल यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे टू सेल ये सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ का चेकर्स मैच करेंगे, देखो यहाँ पे चेकर्स कैसे हैं, यहाँ का चेकर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ टू सेल कर देता हूँ यहाँ पे, एंड आर स्केल, ठीक है, टू सेल एंड आर फॉर स्केल, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे देखो यहाँ पे इसके चेकर्स कैसे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे करो तो सर देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे ये कैसे जा रहे हैं, अनफोल्ड कर रखा है, अनफोल्ड ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, देखो डायरेक्ट अनफोल्ड करने पे कैसे हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ के अनफोल्ड भी करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट अनफोल्ड करता हूँ तो ये ऐसे भी मिलेगा, कि अनफोल्ड के अंदर मैंने आपको एक दो ऑप्शन और भी बताया होंगे, अनफोल्ड ये भी कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा, काफ़ी तो चीज़ें आपके पास सही आएंगी यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे जो मुझे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, हार्फल स्केल कैसा नंबर चाहिए उस नंबर के अकॉर्डिंग, देखो छोटा करने पे बड़ा हो रहा है, बड़ा करने पे छोटा हो रहा है, ठीक है, ऐसा करके मैं सेट करूँगा यहाँ पे, भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा करके मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैं डील करूँगा इसके लिए। देन सेकेंड पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या, इसके नंबर्स मुझे इससे मैच करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट मैच करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप ऐसे अगर थोड़ा सा तरीके से डील कर लो यहाँ पे तो चीज़ थोड़ा सा बेटर हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज किया यहाँ पे काइंड ऑफ, अभी देखो टू सेल कर दिया मैंने, अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, जगह नहीं तो मैं अभी क्या करता हूँ, लाइक मैं इसको छोटा नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा यहाँ पे, ऐसा लगा है मैंने मैक्सिमाइज किया यहाँ पे, ठीक है, कट कर दिया मैंने यहाँ पे यूवीज पे गया, थोड़ा छोटा बड़ा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करूँ पूरा नहीं हुआ गया,
भी ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट एंड कट टूस्टर, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, अदर मैं इसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्टेप भी मैं मैनेज करके रख सकता हूँ। मैं ओवरऑल सब पे काम करने वाला हूँ, तो मैंने ओवरऑल पे यहाँ पे स्केल कर दिया भाई। मैं बस जो लेआउट में चाहिए वो वन लेआउट ही यूज करूँ यहाँ पे। ठीक है, उनको सेलेक्ट कर दिया टूस्टर, यहाँ पर मुझे लगता है मैनेज करना है, मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऊपर रखना है, मैं या तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, टू सेल यहाँ पे कर दो, इसको ऊपर कर दो अपने यहाँ पे। ओके, अभी जैसे याद होगा मैंने इस ऊपर वाले मॉडल का मैंने एक ही का यूवी निकाला, बाकी नीचे वाला पार्ट का मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जैसे ये देखो ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन ये भी सेट हो गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी इसको भी मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ये इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जब मुझे इसके साथ इसको कंबाइन कर दूंगा, देखो ये पार्ट है ना, तो अगर मैं इसके साथ मैं इसको कंबाइन करता हूँ, तो मैं कंबाइन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे यूवी टू सेल, हटा के बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसके साथ कंबाइन करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन कंबाइन, कंबाइन करने पर यूवी मेरे पास साथ आ गया यहाँ पे। अभी आप देखो तो चेकर्स मैच कर रहे हैं क्या यहाँ पे, अगर मेरे पास मैच करें तो वेल एंड गुड है। ठीक है, यहाँ चेक करो। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल करूँगा, देखो यहाँ चेक करें। मुझे लगता है यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ पे चेकर्स मैच करने हैं तो मैं यहाँ पे ये देखो काफी तक कवर कर जाएगा क्या यहाँ पे। अभी मैं बस ये चीज कवर कर जाएगा तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, लाइक यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लिखा दूँ। बाकी मैंने यहाँ पे क्या किया, टू सेल इसको मैंने उठा के यहाँ अंदर कवर किया। तो देखो मैं कैसे अपनी चीज़ों को चेंज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ों को मुझे यहाँ पे ऐसे ही डील करना है क्या। ठीक है, अभी इतने मैंने पार्ट डील किया, अपने एक लेआउट में प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा हूँ। जितना प्रॉपर यूटिलाइज करोगे उतना सामने वालों को लगेगा कि आप बहुत सा टेक्निकल हो और प्रोफेशनली डील करते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक यूवी भी आपको सेट करना है, आपका टेक्सचर देख के ना सामने वाला जज कर लेगा कि आपको आपने कितना काम किया। क्या देखो यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे काम हो गया। अभी मैंने अभी कंबाइन सब कुछ कर लिया, अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं करता हूँ यहाँ पे सेपरेट। क्यों करूँ सेपरेट, क्योंकि मुझे यूवी करना है ट्रांसफर, इसकी यूवी नहीं है ये, ऐसा है कुछ है। इसको मैंने यहाँ पे सेट किया और मैं यहाँ पे चलता हूँ मैथ्स में गए। ओके, ट्रांसफर एट्रीब्यूट है मेरे पास यहाँ पे, एडिट रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंपोनेंट पे गए एंड अप्लाई कर दिया, सब एक साथ आपके ट्रांसफर होते रहेंगे क्या। इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अप्लाई कर दिया, ये हो गया। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर दिया और इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया नीचे वाले को, अप्लाई कर दिया। याद रखना एक भी वर्टेक्स अगर आपके अलग हैं तो यूवी ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन है ये, अभी यहाँ पे हो जा रहा है क्योंकि आपने कॉपी कर रखा है, कई लोगों ने कॉपी नहीं किया होता तो दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे चेक कर, यहाँ यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन कर दिया मैंने चेकर्स, तो मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेक करो, 1 2 1 3, ठीक है, असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे चेकर्स, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी यूवीस में काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैश ट्रांसफर एट्रीब्यूट एंड देन अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इसको मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या करना, कॉपी करना, कॉपी कर लो, ऐसे करना, ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये एक प्रोसेस हो जाता है कि एक टेक्निकल प्रोसेस हो जाता है कि आपको डील कैसे करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप यूवी ट्रांसफर करते हो ना, यूवी ट्रांसफर करने के बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप उसे मूव ना करना, लाइक मूवमेंट अगर आप दोगे ना उसे तो काफ़ी जगह चांसेस होते हैं खराब होने के, तो एट द एंड करो ताकि चीज़ें आपके यहाँ पे सही हो। अभी देखो छोटे छोटे पार्ट बचे, लाइक विद इन 1 या 2 मिनट में ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब जैसे ये देखो मुझे इसमें भी क्या करना है, ऑल टच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गए यूवी देन ऑटोमेटिक। अभी प्रोसेस बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे यहाँ पे, यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो कैसे डील करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी कहाँ की दिखानी है, मैं फिर से आपको रेफरेंस दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखता हूँ ये कनेक्टिविटी यहाँ की दिखानी है और इसकी यहाँ की दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ, क्या यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मूव एंड सीओ, जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ पे मुझे इसकी कनेक्टिविटी दिखानी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, चलो यहाँ पे चल सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मूव एंड सीओ। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने मूव एंड सीओ, तो यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी समझ में आया। ये पीछे वाला पार्ट आप यहाँ पे जोड़ दो, इसमें आप फ्री हो गए क्योंकि ये पहले जुड़ चुका है, तो मैं कोई टेंशन की बात नहीं। ओके, अभी यहाँ पर मैंने क्या कंट्रोल शिफ्ट करना है, ये पार्ट सेट कर दिया यहाँ पे।
अभी मैं फिर से इसमें बहुत जल्दी यूवी ट्रांसफर नहीं करूँगा, ध्यान रखना ठीक है। ये भी छोटा सा पार्ट बच गया, यू पे गया ऑटोमेटिक। क्रॉस चेक करो यहाँ पे, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे इसकी कनेक्टिविटी दिखानी है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा फंडा, सारे एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले एजेस को डिसलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नीचे एक एजेस है ठीक है। ओके एमरजेंसी हो ये जुड़ जाएगा। अभी कनेक्टिविटी मुझे कहाँ की दिखानी, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा ऐसे ही देख के आपको काम करना है कि आपके पास जो भी मॉडल है उस मॉडल का कनेक्टिविटी कहाँ जा रहा है ठीक है। और देन आप कैसे आप डील कर सकते हो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दोनों पर साइन कर देता हूँ, राइट क्लिक असाइन और चेकर्स ठीक है। चेकर्स असाइन करने के बाद यहाँ पर मुझे काम करना है, ये पार्ट ये पार्ट ये देखो ये सारे पार्ट हैं मेरे पास यहाँ पे, इन सभी को फिर से मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेसिंग में देख लेता हूँ यहाँ पे देखो जिनकी मेरे पास नीड है मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करके यहाँ पे कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करने का मोटिव क्या है, जैसे देखो ये इसकी यूवी है ना, इसके लिए स्पेस कहाँ रखें हम लोग यहाँ पे ठीक है। कैसे पता चलेगा यहाँ पे, यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पे इधर खाली स्पेस है ना, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया यूवी यूवी टू सेल ठीक है, और फॉर स्केल स्केल किया मैंने यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना चेकर से यहाँ पे देखो अपने आप मैच होंगे क्या, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देन और फॉर स्केल वो चाहिए अपने आप यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है छोटी चीज़ के लिए हम लोग ना यूवी बड़ा भी रख लेते हैं, लेकिन वो एक सिचुएशन पर होता है। जैसे यहाँ पे मुझे काम करना है तो यहाँ पे एम बस यहाँ पे इसके अगर मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जब मैं इसको मैच करूँगा ना यहाँ पे, मैच करने पे क्या होता है ये अपने आप इसके साइज में आ जाता है। देखो जितना छोटा करूँगा उतना यहाँ पे, लेकिन इसका मैं फिर यूवी साइज में बढ़ा लूँगा ठीक है। जब छोटा ऑब्जेक्ट है ये देखो यहाँ पे इसके आसपास, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ काम कर जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं सेलेक्ट करके देखूँगा यहाँ पे इससे सेलेक्ट किया इससे सेलेक्ट किया अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे यूवी टू सेल ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर देंगे। स्पेस भी बिल्कुल मैनेज करके रखना जितना आप मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर सेट किया मैंने यहाँ पे यूवी टू सेल, देन मैंने कर दिया लेआउट लेआउट यूवी सेट हो गया यहाँ पे। अभी बेसिक तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, फिर मुझे करना क्या है टू सेल ऑफ फॉर स्केल मैच मुझे यहाँ पे भी करना है सेम चीज जैसे मैं स्पॉट यहाँ पे यहाँ चेक करो डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। जब भी बारीकी से काम करना चाहते हो, देखो आप चाहते हो कि एक ही बार में कहीं जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा को थोड़ा डील करना है। अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा यूवी पे काम नहीं करना सिर्फ टेक्सचर पे काम करना, तो आप फ्रैक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ चेक करो यहाँ पे मैंने सेट किया यूवी टू सेल, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है यहाँ पे देखा कितना मैच हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम एग्जैक्ट मैच कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ इतना कर दो जिसमें तो ऐसा लगे कि हाँ भाई आसपास है उसके, इतना चल जाएगा क्या, बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं सेट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा ठीक है। यहाँ चेक कर यहाँ पे चाहिए देख जाएंगे हमें। अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो यहाँ पे सेट करने के बाद मुझे फिर से क्या करना है, इसकी भी कहाँ ट्रांसफर करनी है, इसमें ट्रांसफर करनी है ठीक है। तो फिर से कहाँ जाएंगे, मैच ट्रांसफर एट्रीब्यूट हो गया है ना, इस पे गए इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मैच पे गए ट्रांसफर एट्रीब्यूट हो गया। अभी क्या सबको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे चेकर्स ठीक है, एंड देन शिफ्ट एंड कंबाइन। अब अगर कल जाके अगर आप किसी भी स्टूडियो में आपसे पास एक ऐसा लेआउट दिखा दो, मेरे पास लेआउट ये है ठीक है, और आपने यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो लाइक कंपनी आपको बहुत आराम से जॉब दे देगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने क्या किया, एक मॉडल बनाया ठीक है, मॉडल को अपने यहाँ पे अडैप्ट किया, अडैप्ट करने के बाद अपने यहाँ पे चेकर्स प्रॉपर बहुत ही बेटर वे में दिखा दिया अपने यहाँ पे, तो लाइक वहाँ पे क्या वो समझ जाएगा कि लाइक जो भी पर्सन है वो टेक्निकल है ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो, भाई मेरे पास ये मॉडल है ठीक है, मॉडल आपका यहाँ पे, ये मॉडल आपने यहाँ पे दिखा दिया ठीक है, ये आप सिंपल सा ऐसा आप इससे दिखा सकते हैं यहाँ पे, वही अपने मॉडल अपने बनाए चेकर्स के साथ हैं, इसको सिलेक्ट करके आप यूवी भी दिखा सकते हो। तो ये क्या है आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है।